टाइम इज ऑलमोस्ट 10:15 और अभी मैं जा रहा हूँ हम्पी, विच इज़ ऑलमोस्ट 360 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। और आज रात को निकलने का रीज़न ये है कि अब कुछ दिन छुट्टी भी है और मुझे, मैं घर पे बोर हो रहा था, देन आई थॉट कि लेट्स गो फॉर ए ड्राइव। तो ये सिगेहली वाले रोड में हूँ मैं और यहाँ से अभी निकलने वाला हूँ। होस्कोटे वाला फ्लाई ओवर लेके टुमकुरु जाऊँगा, टुमकुरु से मैं चित्रदुर्गा होके वो वाले रूट लेके जाऊँगा जो कि बहुत सबसे अच्छा रूट है। रूट का डिस्क्रिप्शन मैं नीचे डाल दूंगा, सो इन केस इफ यू वॉन्ट टू यू नो फॉलो दिस रूट यू कैन गो। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली से आया था, दिल्ली से बैंगलोर मैंने किया था, आते वक्त इस रूट में आया था एंड दिस रूट इज़ क्रेजी मैन, इज़ वेरी ब्यूटीफुल रूट। देखते हैं, 6-7 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन मैं आज पूरी रात तो ड्राइव नहीं करने वाला हूँ। आई एम गोना स्टे समवेयर ऑन द वे, तो मुझे कहीं पे होटल या कहीं पे कुछ ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो कोई पेट्रोल पंप देख के वहाँ पे मैं सो जाऊँगा। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक जैसे ले रहा था और अभी चलते हैं होस्कोटे वाला जो STTR नया ओपन हुआ है ना, उसी रूट में जाएंगे, उसी रूट होके विल बी गोइंग टू क्या बोलते हैं, सीधा टुमकुर होके टुमकुरु से आगे निकल जाएंगे। देखते हैं, ये तो लगभग 100 किलोमीटर है यहाँ से टुमकुर वाला ये STTR, एंड 100 किलोमीटर मुझे लग जाएगा लगभग 1 घंटा, क्योंकि स्पीड लिमिट है और मैं 100 से ऊपर ड्राइव करता भी नहीं हूँ। आई मीन मैं स्पीड लिमिट में ही ड्राइव करता हूँ, तो इट विल टेक मी ऑलमोस्ट अराउंड एन आवर टू रीच टुमकुरु। ये आ गया अपना फर्स्ट टोल, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। होस्कोटे वाला टोल है ये, यहाँ पे कुछ 25 रुपीज़ तो लग जाएंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कितना खर्च हो जाएगा टोटल में। टोटल आप देख सकते हो, मैं आ गया हूँ STTR में। यहाँ से मुझे जाना होगा टुमकुरु बोलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ऐसा ही रोड होगा। ये STTR न्यू रोड है जो कि होस्कोटे से कनेक्ट होता है टुमकुरु के साइड में। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्रूज कंट्रोल और आराम से बैठ के अभी मैं रिलैक्स करके सीधा पहुँच जाऊँगा टुमकुरु तक, पता भी नहीं चलेगा। आई होप मैं ना सोऊँ खाली गाड़ी में। आई एम ऑलमोस्ट नियर दुबासपेट, आई थिंक दुबासपेट या कुछ तो बोलते हैं, जहाँ पे STTR ख़त्म होता है, वहाँ से आई हैव टू टेक राइट एंड गो टूवर्ड्स टुमकुर। तो टाइम इज़ ऑलमोस्ट 11:34, तो मुझे लग गया लगभग 1.5 घंटा, 1.5 hours टू रीच 100 किलोमीटर। हालांकि मैं बहुत धीरे गाड़ी चला रहा था, जस्ट क्रूजिंग ऑन 80 और 82, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी यहाँ से मैं राइड लूँगा, टुमकुर जाऊँगा, टुमकुर से आई गो टूवर्ड्स चित्रदुर्गा। दो हैव नॉट हैड डिनर, तो मुझे कहीं पे देखना पड़ेगा डिनर के लिए कुछ मिलेगा तो फिर उसके बाद कुछ खाना वाना खा के आगे निकल जाते हैं। टाइम इज ऑलमोस्ट 2:16 और अभी मैं हूँ चित्रदुर्गा में। चित्रदुर्गा से मैंने राइड लिया अभी एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स हम्पी। यहाँ से हम्पी इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 2 hours 10 minutes दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 134 किलोमीटर्स। तो रोड्स आर क्वाइट गुड, एज यू कैन सी ये ऐसा ही रोड है पूरा बैंगलोर से हम्पी तक। सो रोड्स आर वेरी नाइस, यू कैन ईजिली क्रूज इन 100। हालांकि मुझे इस यहाँ का स्पीड लिमिट नहीं पता है गाड़ी में कितना दिखा रहा है, इवन गाड़ी भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ स्पीड लिमिट तो होगा, ऑब्वियसली 100 होगा, बट यू कैन इजीली ड्राइव इन 100 ऑन दिस रोड। द रोड्स आर वेरी नाइस। तो मैं लगभग सुबह के 4-4:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा हम्पी। अभी तक कोई होटल बुक नहीं किया है, वंस आई रीच देयर आई विल ट्राई टू फाइंड आउट ए गुड होटल। होस्कोटे 124, सोलापुर इज 413। मैं रिसेंटली इसी रूट से आया था, मैं दिल्ली से बेंगलोर मैंने ड्राइव किया था जुलाई फर्स्ट वीक में। सो मैं इसी रोड से आया था, इट वॉज वेरी नाइस। सोलापुर रोड इज़ लाइक क्रेजी मैन। अभी इस रोड में आपको बहुत सारे विंड मिल्स एंड माउंटेन सब दिख जाएंगे, लेकिन अभी मैं रात को ड्राइव कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा नहीं। वाइल कमिंग बैक मे बी आई विल शो यू दोज विंड मिल्स, दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दोज रेड कलर का जो ऊपर दिख रहा है ना लाइट्स, या इफ यू कैन सी देयर द लॉट ऑफ लाइट्स, दोज आर ऑल विंड मिल्स। ये जो रेड लाइट जल रहा है ना, दीज आर ऑल विंड मिल्स, रेड जो ब्लिंक हो रहा है। सोचो दिन में कितना ब्यूटीफुल लगता होगा भाई, ये पहाड़ के ऊपर विंड मिल्स है सब। वाओ दिस लुक्स नाइस, ऐसे लग रहा है कि किसी ने लाइट सजा के रखा हुआ है।
हम्पी इज ऑलमोस्ट 102 किलोमीटर फ्रॉम हियर. अब लग जाएगा मेरे को 1 hour 42 minutes. ओके, आई होप आई विल गेट अ होटल वंस आई गो देयर. सब तो सो रहे होंगे बट विल सी. ये हो गया गार्डन एरिया, यहाँ पे एक झूला भी है. द प्राइसेस आर क्वाइट रीजनेबल हियर एंड यू कैन सी दिस इज द रेस्टोरेंट, दिस इज द रूम वेयर आई एम स्टेइंग, दिस इज द रेस्टोरेंट. मतलब ब्रेकफास्ट सब यहाँ पे मिलता है. तो यू कैन सी मैं उधर से आया, दे गॉट ए ह्यूज पार्किंग और बहुत स्पेस है यहाँ पे. दैट इज़ द पार्किंग एरिया एंड दिस इज़ द रिसेप्शन. सो आई हैव पार्क माय कार हियर. तो चलते हैं अभी एक्सप्लोर करते हैं हम्पी. Let me gonna show you heaven. भाई से बोलते हैं हम्पी यार. See the fucking view. Wow. Wow, this is crazy, man. I should stop my car and click a picture for some land. Wow, this is well. ये है रिवर, आप देख सकते हो. रिवर का नाम तो मुझे नहीं पता बट वाइल कमिंग बैक वी माइट स्टॉप हियर और कुछ पिक्चर और वीडियो ले लेंगे. बहुत ज़्यादा पानी है भाई. सिर्फ ब्यूटी मैन, क्या ब्यूटीफुल है. नेवर थॉट कि हम भी इतना अच्छा हो सकता है. मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे. वाओ, दिस इज क्रेजी ब्रो, दिस इज क्रेजी. इनके पार्किंग है एंड द लाफिंग बुद्धा इज इनसाइड. लेट्स गो इनसाइड, आई एम गोना शो यू दिस रेस्टोरेंट. सी द व्यू फ्रॉम हियर. वेल दिस इज बॉब मार्ली प्लेस, सो यू नो व्हाट डू यू व्हाट आई मीन. सब मिलता है यहाँ पे. सो ऑलराइट, दिस इज व्हाट आई ऑर्डर. यहाँ पे काम भी चल रहा है ऑफिस का. दिस इज द प्लेस यू कैन सी, इट्स अ लवली प्लेस मैन. दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट हम्पी. बैठो, रिलैक्स करो और यहाँ पे व्यू देखो. तो बताओ भैया, यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे इजरायली लोग आते हैं? नहीं जी सर, इसराइल लोग आते हैं. क्यों बोले तो अभी उधर इसराइल में है ना, उधर थोड़ा बहुत वॉर जैसे चल रहा है, इसीलिए अभी तो कम हो गया. कम हो गया क्या? अभी ज़्यादातर लोग बोले तो वही हमारे आसपास के लोग, आसपास का लोग. तो ये इसराइली फूड क्यों रखा है मेनू में उनके, उन लोगों के लिए? इंडियन भी खाते हैं? अच्छा, पसंद है. अच्छा, बहुत खाते. बढ़िया प्लेस है यार तुम्हारा, जगह सही है. मैंने इंटरनेट पे देखा तुम्हारा, ठीक है, कोई लिखा था कि यहाँ पे अच्छा मिलता है तो मैं आ गया. फिर 30 किलोमीटर से आया मैं. जी सर, वो आपको गंगावती से आगे. हाँ हाँ हाँ, हम्पी में भी नहीं हूँ मैं. हम्पी के पास एक जगह पे रुका हूँ. कल रात को सुबह चार बजे पहुँचा तो उधर ही होटल मिला तो उधर ही रुक गया.
अभी तो ये हमारे अभी नहीं, इधर रहने के लिए सोच रहा था, लेकिन तुम तो भाई बोल रहे हो कि अगर डैम वैम टूट गया तो खत्म ना, भाई कौन आएगा? नहीं अभी ऐसा नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ है। हाँ ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता सडनली। बारिश नहीं हो रहा है ना तो ठीक है, चलेगा। बारिश तो नहीं हो रहा। कितने दिनों का ट्रिप करना चाहिए? ट्रिप आप लोग कर सकते हैं 10-15 दिन तक। 10-15 दिन आराम से ले सकते हैं। 2 दिन में मजा नहीं आएगा फिर? 2 दिन में क्या सर, इधर देखने बहुत जगह है देखने के लिए। नहीं, दो जगह है, टेम्पल तो सही है। 8-10 दिन का करना पड़ेगा फिर मेरे को कभी। नहीं सर, 8-10 दिन तक आराम से ट्रिप कर सकते हैं इधर, सही है, दिक्कत नहीं होगा आपको। ये पूसी गेट तुम्हारा है? जी हमारा है, 6-7। अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, ये था जगह जहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे मैंने ड्रिंक किया थोड़ा सा, एंड आई हैड सम फूड। इट्स ए गुड प्लेस, डिसेंट प्लेस, इतना ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं था, ठीक ठाक था, इट्स ओके। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन है। द किंग बोल के एक जगह है यहाँ पे, दिस एरिया इज कम्प्लीटली रिजॉर्ट एरिया। अगर आपको रिजॉर्ट में रहना अच्छा वाला तो इधर ही रह सकते हो। सी द ब्यूटीफुल माउंटेन्स यार, हम्पी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई स्टे। यहाँ पे रहना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि डैम टूट गया है, तो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू माई स्टे। वहाँ पे आई जस्ट, आई मीन वो थोड़ा सेफ जगह लग रहा है मुझे, तो ऐसे भी वहाँ पे मैंने पे कर रखा है, तो अभी इट डजंट मेक सेंस यहाँ पे फिर से आके। बट दिस लोकेशन इज सुपर्ब मैन, आई मीन यहाँ पे तो रुकना बनता है ब्रो, बहुत ही धासु लोकेशन है ये। सुबह उठते ही तुम लोग अगर ये व्यू देखोगे तो आई थिंक यू शुड कम एंड स्टे देयर। तो होटल है यार, नॉर्मल होटल, सिटी में रह रहा हूँ मैं अभी। ये है मंकी पैराडाइज, there are a lot of places to have food. Wow, this looks nice. This is fucking awesome man, kya hai ye beautiful jagah. This place name is called the hidden place, it's a beautiful one. They got a lawn here and private waterfall. They got a private waterfall inside their property. This is beautiful man, you see here. So now I'm gonna check the AC room. They got one AC and others are non AC room. ये room है, bathroom उधर है। कितना है? This is outside area. ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस। बाम्बू झाड़ वाड़ है यहाँ पे, बट प्रॉब्लम इज दैट अगर डैम टूटा हुआ है और वैसे तो अगर डैम टूट जाता है ना, खत्म खत्म है ये एरिया।